द ग्रीन के तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में साइंस अभी तक कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन करने से बिल्कुल मुबर्रा है, यानी इनको पता ही नहीं चल रहा साइंटिस्ट को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 10, डेविल्स कैटल। दोस्तों मिनेसोटा जो कि अमेरिका की एक रियासत है, यहाँ पर एक नदी बह रही है जो कि आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो वापस आकर नीचे गिरता है एक आबशार की सूरत में और दोबारा से नदी बन जाता है, लेकिन दूसरा पार्ट इसका कहाँ जाता है, ये एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको डेविल्स कैटल कहते हैं, उसके अंदर ये पानी जाता है और आगे किधर जाता है इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पानी जमीन के निचले पानी के साथ जाके मिल रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए इसके अंदर स्याही वगैरह भी डाली, लेकिन इसके बावजूद इस पानी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि ये जा रहा है तो जा कहाँ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 9, हेजलन लाइट्स। दोस्तों नॉर्वे के अंदर रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब किस्म की रोशनियां रोजाना के बुनियाद पर देखने को मिलती हैं। ये बड़ा ही अजीबोगरीब नज़ारा है, लेकिन साथ ही साथ ये हैरान कुन भी है क्योंकि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। पिछली 4 दहाइयों से लगातार ये लाइट्स आसमान में नाचती फिर रही हैं और इन लाइट्स को कोई शख्स ये कहता है कि शायद किसी रेडियो एक्टिव झील की बदौलत देखा जा रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि सल्फ्यूरिक एसिड मिली एक झील है जिसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उनकी वजह से आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस हवाले से कोई भी अभी तक सर्टेन नहीं है। नंबर 8, रोमालियन केव। दोस्तों तकरीबन 55 लाख साल से रोशनी की एक लाइट अगर किसी जगह पर कैद हो और मैं आपको कहूं कि वो अभी भी नज़र आ रही है तो आपका क्या रिस्पांस होगा? यकीनन या तो आप मुझे पागल कहेंगे या फिर इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि रोमानिया के अंदर एक ऐसा गार दरियाफ्त हो चुका है जिसके अंदर 55 लाख से रोशनी की एक लेयर फंसी हुई है और ये बाहर नहीं निकल पा रही। साइंटिस्ट ने इसके अंदर तकरीबन 33 ऐसी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स डिस्कवर कर ली हैं, दरियाफ्त कर ली हैं, जिनको अगर बाहर आम दुनिया के अंदर लाया जाए तो वो फौरी तौर पर मर जाती हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड पर पलने वाले 33 जानदार इस केव के अंदर मौजूद हैं। नंबर 7, लेक कराचे। दोस्तों एक ऐसी झील पाई जाती है सोवियत यूनियन के अंदर जिसके अंदर एक बहुत बड़े रेडियो एक्टिव प्लांट का वेस्ट मटेरियल जाता है। दोस्तों इसके अंदर रेडियो एक्टिव लेयर्स बनी हुई हैं बाकायदा और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर लोग जिंदा नहीं रह रहे थे, इसलिए सब के सब माइग्रेट हो गए। ये इलाका चेरनोबिल से भी ज्यादा खतरनाक है और आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो यहाँ पर रहता होगा उसकी जिंदगी कितनी इंदोहनाक होती होगी। नंबर 6, द डबल ट्री ऑफ टुसार्सो। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि एक दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त उग जाता है लेकिन वो बहुत देर तक कायम नहीं रहता, लेकिन इटली के अंदर एक ऐसा पेड़ है जो है तो चेरी का लेकिन ये मलबरी के बहुत बड़े दरख्त के ऊपर उगा हुआ है और ये पूरे के पूरे साल में 2 दफ़ा हरा होकर दिखाता है, क्योंकि एक दफ़ा चेरी का पेड़ और दूसरी दफ़ा मलबरी का पेड़ अपना फल देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मलबरी के फल लगते हैं तब चेरी बिल्कुल वेस्ट हो जाता है और जब चेरी के फल लगते हैं तब मलबरी का पौधा बिल्कुल खजां की तरह उजड़ जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। दोस्तों कजाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रास्ते में चलते गाड़ी चलाते या फिर रोड पर शॉपिंग करते हुए वो कहीं भी सो जाते हैं। ये सोने की ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक कोई रीज़न साइंटिस्ट खोज नहीं सके हैं। यहाँ के मकामी लोगों का ये मानना है कि इसके करीब करीब रेडियो एक्टिव इलाके पाए जाते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि ये तमाम लोग सोते हों, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है और इसके सच्चे होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। नंबर 4, सर्कल ऑफ नविबिया। दोस्तों अमेरिका के अंदर नविबिया के इलाके में पीले रंग की घास बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, बाकायदा इसकी वैलीज है, लेकिन इसके अंदर गोल दायरे बने हुए हैं और ये क्यों है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोगों का ये मानना है कि शायद यहाँ पर कोई ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो कि गोल दायरे बनाते हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये दायरे गोल ही क्यों हैं, ये चकोर क्यों नहीं या इसकी शक्ल कोई और क्यों नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ सकी है। नंबर 3, द हम ऑफ द टोस। दोस्तों न्यू मैक्सिको के अंदर लगातार 1990 से लेकर आज तक यानी 30 सालों से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ऐसी आवाज़ सुनने में आ रही है जो हमिंग की आवाज़ है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये आवाज़ आ रही है तो आ कहाँ से रही है।
इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारे तजुर्बात किए, लेकिन इस सब के सब फेल हो गए और किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर ये हम की आवाज़ आ कहाँ से रही है। और अब आकर कुछ साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस ड्रॉ किया है कि यहाँ के लोगों के कान बाकी दुनिया से ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों को ये अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। दोस्तों, वेनेजुएला के अंदर रोजाना शाम 7 बजे लोगों को एक बहुत बड़ा तूफान सुनाई देता है जो कि आसमान की बालाई लेयर के अंदर मौजूद है। दिन के वक्त कई दफा सूरज भी निकल आता है, लेकिन रात को हमेशा यहाँ पर तूफान होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं जांचने की आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि इसके करीब यूरेनियम की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनकी वजह से ये तूफान हर वक्त बरपा रहता है, लेकिन ये भी एक हाइपोथेसिस है, फाइनल रियलिटी नहीं है। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में तकरीबन 4 मील लंबी शनाइटिन फिशका नामी एक झील है, जिसको कुछ लोग दरिया का नाम भी दे देते हैं, जिसके अंदर पानी बाकायदा उबल रहा है। अगर कोई जानदार इसके अंदर पांव रखता है तो फौरी तौर पर उसका पूरा जिस्म छुलस जाता है, क्योंकि ये किसी किस्म की कोई मुआफ़ी न देने वाला पानी है और इसके अंदर कोई भी जीवन जिंदा नहीं रह पाता। तो दोस्तों, आपको सबसे अजीबोगरीब इनमें से कौन सा क्लिप लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द ग्रीन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।